दोस्तों, सुबह की 4:50 हो रही है और मैं 2:45 बजे से उठा हुआ हूँ और बहुत सारी मस्ती मजाक करने के बाद अब हम रेडी हुए हैं। क्या नाम है हमारा? आज है बी 20 डेज, 20वां दिन है 50 डेज फिटनेस चैलेंज का आज। और सुबह की 4:50, बहुत सारे मज़े करने के बाद, समझ रहे हो? तो मज़ों के बाद अब हमारा हसल चालू होने वाला है। 50 डेज फिटनेस चैलेंज फुल एकदम। हाँ हानिस भाई, क्या मज़े किए, क्या मज़े किए? तुम्हारी भाभी रात में उठ के है ना, मेरे को मेरी नींद में बोल रहा था। मैं बोला S21 Ultra 30,000 रुपये में, बोलती मुझे दे दो। मज़े ले रही थी मेरे रात में। तो फिर मैं उठा और नींद से जागा। फिर मैंने जो कॉमेडी की है अब तक, फुल एनर्जेटिक है। सोया भी जल्दी था, ऐसा नहीं कि मैं सोया लेट था। मैं सो गया था 11 बजे और 2:45 बजे उठ गया था। ठीक है। तो दोस्तों, हमने नमाज़े फजर अदा कर ली है। सुबह की 6:11 हो रही है और आज हमारे जिले में तूफान की आगाही है, पर ये तूफान हमारे जज्बों को और हौसलों को तोड़ नहीं सकता। हाँ हाँ, ये तूफान भी अल्लाह का हुक्म का मोहताज है मेरे भाई। हाँ, क्यों मोहताज है? बहुत सारी बार ये साल में मैंने ये 3 महीने में इतने सारे वो मैसेजेस देखे हैं। हमारे साथी लोग को क्या व्हाट्सएप देखना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ आनी चाहिए। तो कोई वादा नहीं, हम बनाएंगे तो भी। तो हाँ, क्या बना रहे थे? आगाही के बारे में। आगाही कौन सी थी? यही तूफान वाली आगाही, तूफान की जो आगाही होती है मार्केट में। हाँ बोले, बहुत बारिश आने वाली है, बहुत बारिश आने वाली है। सुबह उठते तो साले एक बूंद भी नहीं। बच्चे लोग की छुट्टी, बच्चे लोग मस्त मजे कर रहे, और जिस दिन फुल बारिश होती है उस दिन बोलते, अनीस भाईजान ये देखो ना, स्कूल वालों को जब बारिश होती है तब तो छुट्टी देते नहीं है, और जब नहीं होती तब देते हैं। करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या? मैं बोला बस वाह मोदी जी वाह, यही बोलो। अभी बोल ही भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, ये बारिश हमारे हौसलों को ठंडा नहीं कर सकती। हमारी जो हौसलों की आग जो हमारे सीने में जल रही है, ये बारिश की बूंदें उसे बुझा नहीं सकती। हाँ हाँ, ये बुझा नहीं सकती। हाँ, ये हमारे साथी बैठे हैं, इनसे पूछो कि इनका हौसला क्या है, क्या इन्होंने क्या इरादा किया था कि बारिश, इतनी बारिश हो रही है और आगाही भी है, तो भी हम 5 जन आ चुके हैं मार्केट में। क्यों आए मार्केट में भाई? हम एक साथी से पूछेंगे, क्यों रमजान भाई, क्या है रमजान भाई, कई को आए अपने, क्यों आ गए अचानक, क्यों आपने, मतलब आने का क्यों था तुम्हारा, जरा जवाब दे दो। वांदा नहीं, शर्माने का नहीं, मार्केट में दे दो ना। चलो कौन देगा जवाब? अरे भाई बोलो ना, तुम बोलो ना, तुम बोलो ना। हाँ मैं ही बोल दू, खालिद भाई बोलेंगे। अरे ए पक्षा भाई, बोलो ना भाई, बोलो ना, तुम क्यों आए इतनी बारिश? हमारा हौसला बुलंद है, फुल हौसला बुलंद है। बोले समुंदर उधर से उधर हो जाए, हम लोग जॉगिंग करेंगे करेंगे। अरे तो बारिश में जॉगिंग नहीं होगी तो क्या? अभी देखो मैं आपको शेल्टर के पास देखे, बारिश है तो जॉगिंग तो नहीं होगी। हौसले बुलंद होने के साथ थोड़ी आवाज भी बुलंद होनी चाहिए, तो ये आवाज बुलंद हम कर लेंगे। जरा पक्षा भाई अपने गले को साफ करो और मार्केट में देने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि हम जा रहे हैं, यहाँ पर शेड बने हुए हैं वहां पर जाएंगे और करेंगे क्या, करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या। वाह मोदी जी वाह, थैंक यू मोदी जी। हाँ, और हम प्रफुल्ल पटेल को और दमन की सरकार को, हाँ हाँ, और जो भी मेहनत लगे और हमारे पैसे भी लगे ना टैक्स के, हमने थैंक यू माई सेल्फ, थैंक यू हमारे 5 साथी बैठे, उन्होंने भी टैक्स का पैसा दिया है मार्केट में। हाँ, तो थैंक यू ऑल ऑफ द इंडियन पब्लिक, आपने टैक्स का पैसा दिया और अरबों खरबों पैसा खर्च होने के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर रेडी हुआ है। हाँ, लाइटिंग्स है, ये बहुत कुछ है। आपको लग रहा होगा ये रात है, ये रात नहीं है मेरे भाई, ये है सुबह, और ये सुबह में अलग है बात। तो लोगों का पैसा लग के थोड़ा मार्केट में रेडी हुआ है बहुत सारा कुछ, अरबों खरबों पैसा लगा है माशाल्लाह। तो यहाँ पर शेल्टर्स भी बनाए गए हैं, शेड्स भी बनाए गए हैं,
तो हम आज उनका इस्तेमाल लेंगे और आज हो सकेगा तो वहाँ पर एक्सरसाइज वर्जिश करेंगे, एक घंटा पूरी करेंगे। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब, हाँ आदमी का अगर वो अंदर का जो रहे ना एकदम मजबूत इरादा मजबूत है तो बारिश तूफान आंधी कोई भी कुछ नहीं रोक सकता। और इरादा कमजोर है ना तो क्या होएगा, पेट में दर्द होएगा। अरे एक काम करते, कल से मैं है ना, क्या वो भाई वो कौन सा वाला है, कल से समोसा बंद, एक वो बोल दो ना यार, बोल दो वो एक अपना डायलॉग है ना, फेमस वाला डायलॉग है, कल से मैं तला हुआ नहीं खाऊंगा, भुना हुआ नहीं खाऊंगा, कल से सब मेरा बंद हो गया, लेकिन क्या बना है खाने के अंदर, छोला भटूरा बना है, नहीं तो बोले कल से बंद करूंगा। तो ये बात है मेरे भाई, समझ रहे ना, ये वाला डायलॉग मेरे को नहीं आया है, नहीं तो मैं ही बोल देता। तो ये बात है मेन, इरादे कमजोर होने की वजह से ऐसी होती है सिचुएशन। जब इरादा मजबूत हो तो बारिश फूल हो और हम भी निकल लिए मार्केट में, तो ठीक है वो इरादा मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों ये है नया भारत, नया भारत मार्केट में एकदम छा रहा है, मार्केट में दुनिया की मार्केट में, तो समझ रहे, बारिश फूल है, भरनी फूल है एकदम भर भर के, और हमारी साथी यहाँ पर है और आज हम करेंगे एक्सरसाइज, करेंगे एक्सरसाइज उसकी वीडियोस आपको हम दे देंगे, ठीक है। हम मार्केट में कर रहे हैं थोड़ा अलग, क्या कर रहे हैं अलग, मेरी तो फूलने लगी यार, क्या तो भी फूल रही, बोले सासा फूल रही रे, क्या था भी समझ रहे। हाँ तो क्या था, हम वहाँ से आ रहे और कर रहे, ये है मेहनत। अच्छा अनीश भाई क्यों भाग रहे, इतना क्यों भाग क्यों रहे। देखो दोस्तों मैं पहले मोटा था, 100 किलो का था, उसके बाद मुझे आलसपन होता था, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिए खाने सारे छोड़ दिए, और मैंने लाया कितने पे, 78 पे, 90 किलो था, 100 नहीं था, 90 था, 78 पे लाया। फिर 78 के बाद मुझे कमजोरी लगने लगी, सांस फूलने लगी, तो फिर हमने क्या सोचा कि हम लेंगे 50 डेज चैलेंज, और हमारे जो अंदर के स्टेमिना है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसको बढ़ाने का, इसीलिए इधर से उधर, कभी अवश्य पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ये आशिकी है, हाँ ये दीवानापन है, जो आपको ये 20 दिनों से आशिकी हम कर रहे हैं फिटनेस के साथ, तो ये आशिकी मरते दम तक रहे, दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कल मुझे एक कॉल आया, वही हमारे रजा भाई दानू वाले का, जो हमें चने के झाड़ पे बहुत चढ़ाते। तो मैं बोला देखो नया भारत है मार्केट में, और नए भारत में चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे आप मेरी बात। तो ये है नया भारत। अनीश भाई तुम्हारा वीडियो देखता हूँ मैं, रोज़ देखता हूँ, बोले बहुत मेरे को है ना मोटिवेशन होता है, और बहुत पॉजिटिविटी बहुत मिलती है तुम्हारे वीडियो देखने के बाद। मैं बोला हाँ वो तो मुझे पता है यार, तू चढ़ा मत मेरे को, चढ़ा मत। तो बोला अनीश भाई इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हो। तो मैं बोला, मैं उसको बोला नहीं, पर मैं आपके सामने भी बोलता हूँ, उसको मैंने नहीं बोला, मैं बोला भाई अपने तो ऐसे ही है पॉजिटिविटी। देखो हम ईमान वाले हैं, हम एक रब को मानने वाले, समझ रहे मेरी बात, उस रब ने हमें क्या दिया है, उसने सब कुछ लिख दिया है मार्केट में, होने का क्या है, क्या होना क्या नहीं होना सब लिखे ला ऑलरेडी, समझ रहे। तो वो लिखे हुए में क्या है मार्केट में मालूम, कि होना क्या है क्या नहीं होगा, तो हम क्या नेगेटिविटी सोचते ही नहीं मार्केट में, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, समझ रहे, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिविटी पे चलते, एकदम पॉजिटिव रहते हैं मार्केट में फुल। हाँ जो होएगा वो होगा, हाँ पर काम करते हैं वैसे, ऐसे नहीं छोड़ दिया, बोले वजन बढ़ रहा है तो बोले एक दिन मरना है तो ऐसे ही मर जाएंगे खा पी के, तो ऐसा नहीं है। पॉजिटिविटी क्या है मैं तुमको अभी बताता हूँ। हाँ पॉजिटिविटी ये है कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है
और तुम साथ में है ना मेहनत कर रहे हो वजन घटाने की, ये है पॉजिटिविटी। और हमेशा रोज आ रहे हो, नेगेटिव मार्केट में नहीं ले रहे हो, पब्लिक की सुन नहीं रहे हो। पब्लिक बोलती बोले एक दिन जाओगा, अरे बाबू ना मैं जानू 25 साल से, वो को नहीं जाओगा, वो एक ही दिन जाओगा, अगला दिन हो ही कौन सके, ऐसा है। तो भाई मेरे भाई, बाबू तोड़ रहे ले, मार्केट फोड़ रहे ले बाबू, 4-5 दिन से रेगुलर आ रहे ले, तुम क्या जान रहे ले मार्केट, ऐसा। तो ये है पॉजिटिविटी। वजन बढ़ गया है, सब कुछ हो गया मार्केट में, पर क्या पॉजिटिविटी क्या है कि रोज आ रहे ले, बारिश हो रही है मार्केट में तो भी आ रहे ले, चल रहे ले, कर रहे ले, भाग रहे ले, दौड़ रहे ले, सब कर रहे ले। अनिश भाई क्या है रेल्ले रेल्ले टपोरी गिरी क्या आ गई मार्केट में? ये क्या टपोरी गिरी नहीं, थोड़ी एंटरटेनमेंट है मेरे दोस्त, एंटरटेनमेंट इज लाजमी ना, हाँ, तो एंटरटेनमेंट हम लोग लाते रहते। तो ये है पॉजिटिविटी, वजन बढ़ाने के बाद उसको घटाना। हाँ, वजन तो ऐसे ही बढ़ जाएगा ना, बैठे बैठे बढ़ा लो 100 किलो ऐसे ही हो जाएगा। मेरे जैसा दुकानदार रहे हुए मार्केट में, तो बैठे बैठे 100 किलो ऐसे ही हो जाए, पता भी नहीं चले, और आलस और अलग हो जावे। तो इसको कम कैसे करने का? रोज जाने का मार्केट में, रोज चलने का, और रोज भागने का, रोज देने का, रोज 6 किलोमीटर चलने का। हाँ, तो ये है पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी ये नहीं होने की, भाई पैर दुख रहे, बहुत पैर दुख रहे, ये नेगेटिविटी लेने की नहीं। 14 दिन रुकते, मेरे 14 दिन बहुत पैर दुखे, मैं बता रहा हूँ ना। आज 20वां दिन है, 20वां दिन अब एकदम मस्त आला दर्जा है, आला दर्जा, समझ रहे? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जात की टेंशन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई वो आ ऊ नहीं मार्केट में, कमर दुख रही, पैर दुख रहे, जान दुख रही। तो क्या है ये दर्द? चंद दिनों के दर्द है मार्केट में। क्या ये जो दर्द है ना, दर्द जो डिस्को है मार्केट का, वो चंद दिनों का है। और खुशियाँ जो है वो हमेशा हमेशा की है। और मार्केट में हमारा एक कॉम्पिटिटर आ गया है, ये देखो हमारा कॉम्पिटिटर, मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर दे रहा है मार्केट में, ये देखो पक्सा भाई मार्केट में दे रहे ले एकदम बारी बारी। तो ये देते हुए और हम भी चलते हुए, तो हम जाएंगे आज नमोपात, नमोपात जाएंगे, नमोपात। हाँ तो चलो मार्केट चलो। तो दोस्तों ये है पॉजिटिविटी, समझ रहे? नेगेटिव होने की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक तो बोलेगी एक ही दिन ही जाएगा, उससे ज़्यादा जा नहीं पाएगा, मुझे पता है ना, हम जानते हैं उसको। तो ये बात है भाई मेरे भाई। हाँ, तो जानना करना सब अलग है, और मार्केट में मेहनत करना अलग है, समझ रहे मेरी भाई? चलो बात इधर ही ख़त्म करते हैं, पॉजिटिविटी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो मैं अनीश आरिफ कुरैशी सैफी हेल्पिंग हैंड के जरिए से आपके सामने आया हूँ नया भारत लेके। और नए भारत में क्या जरूरत है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नए भारत के नए नौजवान, बूढ़े, जवान, और क्या नाम है, मालदार, गरीब, और सब जितने भी लोग हैं नए भारत से, लोगों को क्या चाहिए कि नया भारत एकजुट होकर रहे, एक दूसरों की मदद करते हुए रहे। तो मैं सैफी हेल्पिंग हैंड से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बार कोड है, मैं अनीश आरिफ कुरैशी वलसाड जिले के हर एक मदद जरूरतमंद की मदद करने के लिए सामने आया हूँ। तो भाई मैं क्या चाह रहा हूँ, आप 10 रुपए डोनेट कर दो आज का, आज का अगर आप डोनेट करोगे तो आपका दिन बेहतरीन जाएगा एकदम। हाँ, क्या बोलते कि बोले तो सबका भलाओं को टालती है, और वो सारी चीजें यानी मुसीबत को दूर करती है, तुम्हारे काम को आसान करती है। तो ये चीज हम लेके आए हैं, तो रोज का 10 रुपए हम मांग रहे हैं आप सबसे, मेरे व्यूअर से। तो प्लीज ये बार कोड को स्कैन करो और डोनेट करो, और यूं ही कारवा बढ़ाते रहेंगे। ये है नया भारत मेरी जान। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक, आपकी खिदमत में एक बेहतरीन दुआ लेके आया हूँ, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की दुआ है जिसको हम पढ़ेंगे। कोई उर्द दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नुजूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल और जर की हवस ना हो, मुझे बस तू रिस्क हलाल दे, मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांसों में तेरा जिक्र हो, तेरे खौफ में मेरी निजात हो,
सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा, मेरी रोज़ो शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। तो दोस्तों ये क्या ही बेहतरीन दुआ है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। तो अपने रब से ऐसी दुआ मांगो। हाँ हाँ, रब से यूँ ना करो कि अल्लाह मेरा ये कर दे वो कर दे। अरे मांगो तो एकदम आला दर्जे में। हम किससे मांग रहे हैं? वो खुदा से। हम बड़े हाकिमों के पास जाते हैं, जैसे ट्रम्प के पास जा रहे हैं। मिस्टर ट्रम्प, आई एम योर लाइक यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन वी हैव एवर नॉट सीन इन दिस अमेरिका। तो जब हम अल्लाह से दुआ मांगे, जो हमारा परवरदिगार है, जो सबका मालिक है, हाँ, तो हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं और उसकी आजीजी करें। या अरहमर राहिमीन, ए हमारे रब, ए हमारे पालनहार, ए खुदाओं का, ए बादशाहों का बादशाह। हाँ, ऐसा आजीजी होना चाहिए। और रातों में उठ के मांगना वो आला दर्जा है। हाँ हाँ, आला दर्जा क्या, रातों में उठ के मांगना। तो दोस्तों मांगोगे ना। अस्सलामुअलैकुम।